आज के वीडियो में मैं आपको एमलॉप बता रही हूँ, लिफाफा जिसको कहते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, इसमें हम गर्ल्स को, जो लड़कियाँ होती हैं उनको भाई अपनी तरफ से लिफाफे में पैसे रख के देते हैं, या लड़कियाँ जो होती हैं अपने भाइयों को राखी भेजती हैं बाहर, और घर में भी बहुत से यूज़ में लिफाफे काम आते हैं। इसको डेकोरेशन करना है और लिफाफे कैसे बनाना है ये आज मैं आपको उसकी मेथड बताऊंगी। ये मैंने हैंडमेड लिफाफा बनाया है शीट से, और घर में जो मटेरियल हमारे पास रखा हुआ था मैंने उन्हीं का यूज़ किया है। और ये सेकेंड है, ये पुराने ओल्ड मैरिज कार्ड जो होते हैं उससे बनाया है। इस तरीके से आप डेकोरेटिव लिफाफे आप रेडी कर सकते हैं। ये मैंने पेपर कटिंग से बनाया है। मैं आपको एनवलप बता रही हूँ कैसे बनाना है, और लेकिन डेकोरेशन आपको अपना अपने सोच से, अपने दिमाग से खुद को डेकोरेट कैसे करना है ये आप खुद कर सकते हैं। ये शीट है, शीट भी ये आपके लिफाफे कितने साइज़ का आपको लेना है, बड़ा है छोटा है, उसके अकॉर्डिंग आप शीट का चयन कर सकते हैं। ये मैंने साइनिंग वाली शीट ली हुई है। इसके कुछ पैचेस आप तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, इस वाले में छोटा सा फ्लावर कट किया हुआ है। ये मार्केट में रेडी फ्लावर्स वगैरह भी आपको मिलते हैं। प्रिंटेड शीट का भी आप यूज़ कर सकते हैं, पुराने जो मैरिज कार्ड्स होते हैं उनका यूज़ भी कर सकते हैं। ये मैंने ओल्ड मैरिज कार्ड से जो प्लान वाला एरिया था वहाँ से मैंने कुछ लिफाफे बनाए हैं। मैं आपको एक प्लान शीट से लिफाफा कैसे बनाना है ये बताऊँगी, बहुत इजी मेथड है। इसको हम फोल्ड करेंगे, और जो ओवरलैपिंग वाला हिस्सा है, आपको कितना ओवरलैप करना है अपने लिफाफे में उतना एरिया लेना है, और इसको छोड़ते हुए इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ये हमारे पास दो फोल्डिंग लाइन होगी। पेंसिल से हम इसमें निशान लगा लें जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये सेंटर पॉइंट है एनवलप का। हाफ इंच लेफ्ट राइट दोनों साइड लेना है, टॉप एंड बॉटम बोथ साइड। हाफ इंच लेना है स्केल से मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। ये हम जो पॉइंट हमने हाफ इंच के ऊपर और नीचे लिए हैं इसको हम मिला देंगे। ये ओवरलैपन अंदर मनी वगैरह जो भी हम रखते हैं उसके लिए हैं। ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे हम वी शेप लेंगे, हाफ सेंट मिड लाइन में पॉइंट को रखेंगे, और हाफ सेंटीमीटर लेफ्ट और राइट दोनों साइड लेना है, हाफ लेफ्ट और हाफ राइट। इसको वी शेप में पॉइंट को लाइन खींचनी है इस तरीके से, बोथ साइड सेम रहेगा, हाफ सेंटीमीटर एंड हाफ सेंटीमीटर। अब हमें जो हमने वी शेप ये पॉइंट में निशान लगाए हुए हैं इसको हम कट करेंगे। बहुत इजी मेथड से मैं आपको बता रही हूँ। ये जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है उसमें भी जो ये रेक्टेंगल शेप आया हुआ है इसको भी हम कट करेंगे।
अब जो हमने ये फोल्डिंग के लिए हमने लाइन खींचे हैं दोनों साइड, इसको अब हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे अंदर साइड इस तरीके से। ये ध्यान दें कि जो लाइन हमने ली है उसके ऊपर ही उसको करना है। टेक्सचर शीट भी मार्केट में आती हैं, बहुत सुंदर सुंदर आती हैं, आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं। ओल्ड मैरिज कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, प्लान शीट्स का यूज़ कर सकते हैं, चॉइस अपने ऊपर है। डेकोरेशन भी अपनी चॉइस पर निर्भर करता है कि आपको कैसा डेकोरेट करना है। घर में मैंने जो वेस्ट मटेरियल मेरे पास था, मैंने सभी कार्ड्स में एनवलप में उसी का यूज़ किया है। आप इनको बनाइए घर पर, आपके पेरेंट्स को भी काफ़ी हेल्प होगी, वो भी बहुत सारी जगहों पर उनको एनवलप देना होता है, आप रेडी करके रखें तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ये इस तरीके से हम इसको पेस्ट करेंगे। अब जो ये वाला एरिया दिख रहा है ओवरलैप का, उसको शेप देने के लिए हल्का सा अपन इसको टर्न करेंगे और यहाँ से कर्व का शेप बनाएंगे। अब हम इसे सही तरीके से पकड़ेंगे और इसमें कट करेंगे इसको शेप देने के लिए। बहुत इजी मेथड है। अब जो ये हमने लाइन खींची थी, यहाँ से आप फोल्ड कर सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो पेंसिल की लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारा प्लान एनवलप तैयार हो गया। मैंने यहाँ पे कुछ फ्लावर्स लिए हुए हैं, मेरे पास पहले से रखे हुए थे घर में, इसका ही मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने ये फेविकॉल लिया, मार्केट में बहुत डेकोरेटिव मटेरियल आ रहा है इस समय, आप उन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास ग्रीन कलर का पेंसिल है, मैं उससे लीव्स का शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो पेपर कटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। या कलर, स्केच पेन, जो भी आपको इजी लगे वो चीज़ आप ले सकते हैं। ये मेरे पास 3D आउटलाइनर है, इसका यूज़ कर रही हूँ मैं। इसमें बॉर्डर किया है, मैंने गोल्डन लिया है। सभी के घरों में कुछ ना कुछ मटेरियल होता है, पुरानी राखियाँ भी होती हैं जिनका यूज़ आप कार्ड्स में कर सकते हैं या एनवलप में। इस तरीके से आप एनवलप तैयार कर सकते हैं। इसमें मैंने पुरानी राखी का यूज़ किया है, स्माइल फेस का यूज़ किया है। ये जो बॉर्डर लगाई है ये भी मैंने पुराने मैरिज कार्ड का यूज़ किया हुआ है इसमें। ये मेरा ओल्ड मैरिज कार्ड से बनाया हुआ कार्ड है। ये एम्ब्रॉयडरी रिंग आते हैं, इनका यूज़ किया है, मैंने ख़रीदा नहीं, ये सब मेरे पास मटेरियल घर में ही रखा हुआ था। आप भी ऐसे ही घर में रखे हुए चीज़ों से आप एनवलप रेडी कर सकते हैं। थैंक यू।